नमस्कार, आज मैं अपने YouTube के माध्यम से जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इंजेक्शन, जो कि अब नए रूप में आ गया है, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देने वाली हूँ। आज मैं यह बताने वाली हूँ कि वह टीका पहले वाले टीके से अलग क्यों है और इसे किस प्रकार से लगाना है, उस टीके में और इस टीके में क्या अंतर है। टीका तो दोनों एक ही है, बस उसके फॉर्म में अंतर हो गया है, साइट में अंतर हो गया है और लगाने की विधि में अंतर हो गया है। तो आइए हम एक एक कर इसके बारे में जानें। सबसे पहले हम यह जानें कि जेई आखिर है क्या। जेई यानी जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, जो कि मच्छर के काटने से होता है। जेई का टीका 2006 में हमारे भारत में लाया गया और शुरुआत में यह 3 राज्यों में चलाया गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उसके बाद यह धीरे धीरे 22 राज्यों में लागू हो गया। यह उन राज्यों में ज़्यादा चला, या ये कहें कि शुरुआत में उन राज्यों में इसकी शुरुआत की गई जहाँ की जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के मरीज ज़्यादा दिखे, ज़्यादा बच्चे संक्रमित पाए गए। उसके बाद धीरे धीरे यह 22 राज्यों में लागू कर दिया गया। अभी हमारे झारखंड में भी यह टीका दिया जा रहा है। पीसीवी 3 के साथ हमें इसकी पहली खुराक देनी है, यानी पीसीवी की पहली बूस्टर डोज के साथ जेई की पहली खुराक देनी है। और दोनों को चूँकि एक ही एरिया में देना है, दाहिने जांघ में देना है, तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि दोनों टीकों के बीच 2.5 इंच की दूरी अवश्य हो। दोनों को एक साथ देने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए घबराएं नहीं। यदि बच्चे के माता पिता घबराते हैं कि दो टीका एक साथ कैसे हम देंगे और एक ही जांघ में कैसे देंगे, तो उन्हें समझाना है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है। इस प्रकार हम अब वह टीका बाएं बांह के बजाय दाहिने जांघ में देंगे। चूँकि यह लिक्विड फॉर्म में है और इसमें ओपन वाइल पॉलिसी लागू होती है, इसलिए जब हम डेट लिखेंगे तो जिस डेट में वह खुली है उस दिन से लेकर 28 दिन तक उसका उपयोग हम कर सकते हैं। इससे एक फ़ायदा होगा कि दवा बर्बाद होने से बचेगी और हम इसका रीयूज़ कर सकते हैं। जेई का इंजेक्शन जो है उसे हम 90 डिग्री पर देंगे। इस बात का हम ध्यान रखें कि जेई का इंजेक्शन 90 डिग्री पर लगेगा, जैसे हम पेंटा देते हैं, जैसे हम पीसीवी देते हैं, ठीक उसी तरह इसकी डोज भी है 0.5 ml और देने का साइट 90 डिग्री पर देनी है, दाहिने जांघ में देनी है। बाएं जांघ में हम पेंटा का इंजेक्शन देते हैं और दाहिने जांघ में जेई का इंजेक्शन लगाना है। इस बात का ध्यान रखें। हम साइट को चेंज नहीं करेंगे, दाएं जांघ की बजाय हम बाएं जांघ में इसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे जब भी कोई विजिट करने बाहर से आते हैं तो उन्हें पता करने में कठिनाई होती है, या किसी प्रकार का यदि रिएक्शन देखा जाए तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह पेंटा के कारण हुआ है या फिर जेई के कारण हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखना है, दाहिने जांघ में ही इसे देनी है, 90 डिग्री पर देनी है, 0.5 ml देनी है, ओपन वाइल पॉलिसी लागू है। इन सब बातों को ध्यान रख के हम सुरक्षित टीकाकरण कर सकते हैं और बच्चों को जेई के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं।